हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे जो भी करंट रिलेटेड न्यूज़ हैं, बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड, जून 2020 की आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए जी। और जो मैं क्वेश्चन पूछूँ आप कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए जी, हाँ जी। तो पहली न्यूज है हमारे पास नबार्ड को लेकर। ठीक है, नबार्ड, पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, बेसिक सी चीज है, पता ही होगा ज्यादातर। इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जब भी हम नबार्ड की बात करते हैं तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी की हेल्प करना। और ये हेल्प कैसे करती है, ये हमारे पास जो RRBs हैं, जो ग्रामीण बैंक है, और जो हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है, उनको ये फंड चैनलाइज करती है। ठीक है, याद रखिएगा, नाबार्ड जो है वो इनको फंड चैनलाइज करता है और इनकी हेल्प करता है। ठीक है, RRBs की और कॉपरेटिव बैंक्स की। अब जो चीज़ आपको बतानी चाहिए, नाबार्ड हमारे पास कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, 1982 में, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, और हाँ जी, हु इज़ द करंट हेड। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं। तो गोविंद रजलू, ठीक है, याद रखिएगा, इसके करंट हेड कौन है, गोविंद राजलू चिंतला। ठीक है, तो याद रखिएगा, हु इज द करंट हेड ऑफ नबार्ड, गोविंद राजलू चिंतला। और इसने हमारे पास 1050 करोड़ जो है वो वेस्ट बंगाल को दिए। क्यों दिए, देखिए, अब COVID-19 की वजह से सारे की सारी इकोनॉमी जो है स्ट्रगल कर रही थी। तो यहां पर आप देखिएगा कि वेलफेयर ऑफ द फार्मर, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द फार्मर ऑफ द स्टेट, और जो कि हमारे पास अदर वेलफेयर जो वर्क है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर याद रखेगा, देखिए 50 करोड़ तो सीधा सीधा किसको चले जाएंगे, RRBs को चले जाएंगे, और हमारे पास 700 करोड़ किसको जाएंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो आप देख लीजिए कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और RRBs को फाइनेंसिंग हमारे पास जा रही है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट एक तो ये सीधी सीधी न्यूज हो गई कि किस स्टेट को नबार्ड ने 1050 करोड़ दिए हैं, तो वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया वेस्ट बंगाल। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन बता देता हूं, याद रखना, नबार्ड ऑल्सो अनाउंस दैट रुपीज 5000 करोड़ फॉर वॉटर शेड प्रोजेक्ट। नोट डाउन करो जरा इसे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि नबार्ड ने वॉटर शेड प्रोजेक्ट के लिए भारत में, हाँ जी, कितना पैसा एलोकेट करने की बात की है, 5000 करोड़। प्लीज नोट इट डाउन, रुपीज 5000 करोड़ फॉर वॉटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। नबार्ड ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड NABARD also going to provide 5000 करोड़ फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट projects इन इंडिया। और एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, नबार्ड में 100% शेयर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नबार्ड के अंदर 100% शेयर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अर्लियर RBI का इसमें शेयर हुआ करता था, RBI में कुछ शेयर होल्डर था, ठीक है, लेकिन अब पूरी की पूरी जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सो डू रिमेंबर दैट नबार्ड में 100% शेयर होल्डिंग किसकी है हमारे पास, हाँ जी, नबार्ड में 100% शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो ये चीज याद रखिएगा, वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नबार्ड ने कितना पैसा प्रोवाइड करने की बात की है पूरे इंडिया में, 5000 करोड़। ठीक है, और करंट हेड कौन है, हाँ जी, हमारे पास गोविंद राजलू चिंतला। ठीक है, गोविंद राजलू चिंतला। ओके, चले जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो देखो स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक की बात जहां पर आ गई, तो पहले तो बेसिक चीजें याद रखना, बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से। ठीक है, तो ब्रेटन वुड ट्विंस कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, ओके, सो वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज है, तो मैंने इसलिए दोनों को न्यूज को क्लब कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भी 1950 करोड़ वेस्ट बंगाल को देने की बात की है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग लेवल पर डीलिंग हुई है वेस्ट बंगाल के साथ। तो वेस्ट बंगाल को जहां पर हमारे पास नबार्ड ने प्रोवाइड किया है 1050 करोड़, तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है 1950 करोड़। ठीक है, सो यहां पर याद रखिएगा, ये किस लिए, ताकि कोरोना वायरस के जो सिचुएशन है उसको टैकल कर सके। ठीक है, वेस्ट बंगाल सिचुएशन को टैकल कर सके। ओके, तो यहां पर 1100 करोड़ तो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा और 850 करोड़ जो वेलफेयर स्कीम से उसके लिए खर्च किया जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस जो है वो याद रखना, बेसिक क्वेश्चंस, हाँ जी, चलो आपसे पूछ लेता हूं। पहला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। चलो सिंपल सा क्वेश्चन बता दो, फिर अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हाँ जी, नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है,
नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुझे बताओ जल्दी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। डेविड मेलपास, वेरी गुड। सिमरन कांबोज का पहले सबसे आंसर आया, फिर तन्वी दत्त का आंसर आया है, ठीक है। तन्वी दत्त एंड सिमरन कांबोज, वेरी गुड। डेविड मेलपास, ठीक है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर मैं नाम वगैरह नहीं पूछना चाहता, अच्छा क्वेश्चन जो है वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने टोटल कितनी अमाउंट भारत को देने का फैसला किया है टू टैकल द कोविड-19। मतलब कि क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं मेरा, कि इंडिया के कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने टोटल कितनी अमाउंट इंडिया के लिए देने का वादा किया है? तो याद रखिएगा, दैट इज $2.75 बिलियन, ठीक है। $2.75 बिलियन फॉर इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स, जो टोटल अमाउंट वर्ल्ड बैंक के द्वारा सेंक्शन की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टोटल अमाउंट जो है दैट इज $2.75 बिलियन, ठीक है। ओवरऑल जो अमाउंट है इंडिया के लिए दी जाएगी, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई या नहीं स्टूडेंट्स? ओके, दैट इज $2.75 बिलियन। और एक बात और याद रखना, वर्ल्ड बैंक में जो एमडी एंड सीएफओ की पोजीशन पर है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन पे है, वो इंडियन है, अंशुला कांत। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहले एसबीआई में ही इंप्लॉय थी, ठीक है। ये पहले एसबीआई में काम करते थे और अभी वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम कर रही है अंशुला कांत, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम कर रही है अंशुला कांत। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, वो आपको पता ही होगा, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो याद रखना, मैंने दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, जिन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और हमारे पास नाबार्ड, जिन्होंने वेस्ट बंगाल को लोन चैनलाइज किया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने ये भी याद रखना कि टोटल अमाउंट कितना देगा वर्ल्ड बैंक इंडिया के कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए। सो दैट इज $2.75 बिलियन, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। सिर्फ स्टूडेंट मैं वो वाली न्यूज करा रहा हूं जहां पर पैसों की बात है, फाइनेंस की बात है, और बैंकिंग से रिलेटेड जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स हैं। और पूरे करंट अफेयर्स आपको भी पता है कि कराना पॉसिबल नहीं है, कि मैं पूरे के पूरे करंट अफेयर्स, सारे के सारे 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको 7 दिन में क्लासेस के थ्रू करा दूं, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम यहाँ पर जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम उन्हीं को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला मंथ मैंने आज कवर करना शुरू कर दिया आपके लोगों के साथ। तो यहां पर आप देखिएगा कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड मैंने न्यूज को, एक और न्यूज को क्लब कर दिया वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, वो क्या कि राजीव टोपनो, ठीक है, हमारे पास सीनियर एडवाइजर एट वर्ल्ड बैंक। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हमारे पास राजीव टोपनो सीनियर एडवाइजर होंगे टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ सीनियर एडवाइजर का काम करेंगे राजीव टोपनो। तो आपने याद रखना है, एक इंडियन और जिसकी वर्ल्ड बैंक में इंपॉर्टेंट पोजिशन इंडिया की तरफ से अप्रूव की गई है, दैट इज राजीव टोपनो। साथ के साथ याद रखेंगे, हमारे पास इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट की गई थी कि ब्रजेंद्र नवनीत, इनको WTO में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा। सो दोनों नाम याद रखिएगा, राजीव टोपनो हमारे पास कहां पर अपॉइंट हुए हैं, राजीव टोपनो हुए हैं वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटेड, और ब्रजेंद्र नवनीत जो हुए हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटेड हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। और हमारे पास इसके जो रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी WTO, सो दैट इज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को हमारे पास WTO एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसको रिप्लेस करते हुए? गैट को रिप्लेस करते हुए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया था? गैट को। पहले गैट हुआ करता था, गैट की जगह आ गया WTO, गैट की जगह WTO, ठीक है। गैट की फुल फॉर्म लिख लेना जिनको नहीं पता, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो गैट की फुल फॉर्म सबने याद रखनी है, दैट इज जर्नल एग्रीमेंट एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की फुल फॉर्म याद रखेंगे, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। हाँ जी स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने?
चलो जी एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। हमारे पास एक WTO है और एक UNWTO है, एक WTO है और एक UNWTO है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बता दो जरा जल्दी से, कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO? हाँ जी जल्दी से बता दो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNWTO? न्यूयॉर्क। सिमरन काम्बोज, गलत है। साहिल अरोड़ा का सबसे पहले आंसर आया हमारे पास, वेरी गुड साहिल अरोड़ा, मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दीपू ग्रेवाल का भी आंसर सही है, फिर हमारे पास रूपाली सुखीजा का आंसर भी बिल्कुल सही, फिर आशिता काम्बोज का आंसर भी सही है, मैड्रिड काम्बोज, मैड्रिड स्पेन। ठीक है, तो गुड स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, और यहां पर हमने दो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की है, राजीव टोपनो और बिजेंद्र नवनीत। ठीक है, दोनों के नाम याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास PR जयशंकर, अपॉइंटेड एज द MD ऑफ IIFCL। देखो ये हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड एक कंपनी है, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो है इसका हेड अपॉइंट करती है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जब भी बात आ जाती है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाँ जी, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस? हाँ जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है? हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस? निर्मला सीतारमण आंसर मत कीजिएगा, वेरी गुड, गौरव पठानिया का आंसर सबसे पहले, वेरी गुड गौरव पठानिया। सो अनुराग ठाकुर, ठीक है अनुराग ठाकुर, वेरी गुड। फिर प्रियंका मनकोटिया का आंसर भी हमारे पास आगे आ चुका है, अनुराग ठाकुर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है फॉर फाइनेंस वो है अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा। ठीक है, सो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट किया है PR जयशंकर को, ठीक है, एज द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ठीक है, एज द MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, IIFCL, तो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, और इनकी रिकमेंडेशन किसने दी थी कि इनको अपॉइंट कर दो, दैट इज डन बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आ गई, बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसके बारे में बात करते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो बैंक बोर्ड ब्यूरो ये हमारे पास किसकी रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुई? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PJ नायक कमेटी, पहले तो ये याद रखना। ठीक है, PJ नायक कमेटी हमारे पास बनती है, ठीक है, और ये क्या सलाह देती है कि गवर्नेंस को इंप्रूव कीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस का मतलब समझो जो सिस्टम चलता है, सो गवर्नेंस को इंप्रूव कीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक में। ठीक है, सो उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारे पास IBPS नाम की एक सिंगल बॉडी, IBPS नाम की सिंगल बॉडी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रिक्रूटमेंट करती है, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं उन, और या फिर हमारे पास जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कई सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो उनके जो हेड्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट BBB की रिकमेंडेशन से की जाए। हाँ जी क्लियर, तो याद रखना हमारे पास जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, सरकारी बैंकों में, हमारे पास सरल शब्दों में कहूँ तो सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज में जो भी बड़ी पोजिशन हैं चेयरमैन की, MDs की, उनकी अपॉइंटमेंट हमारे पास BBB के अप्रूवल के बाद की जाती है। BBB अप्रूवल देगा और उसके बाद हमारे पास अपॉइंटमेंट जो है वो की जा सकेगी। ठीक है, डू रिमेंबर दैट पॉइंट। और हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ BBB? अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, भानु प्रताप, ठीक है याद रखिएगा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ BBB? BBB के करंट चेयरमैन का नाम जो है सब लोग याद रखेंगे, भानु प्रताप शर्मा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ मुझे समझ आया या नहीं आया? देखो मैंने दो बातें बताई हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, सरकारी बैंक्स होते हैं या सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनके चेयरमैन और MDs की अपॉइंटमेंट BBB के अप्रूवल के बाद होती है। ठीक है, जैसे आपकी अप्रूवल के लिए, आपको अपॉइंट करने के लिए IBPS नाम की एक बॉडी काम करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो उसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो चेयरमैन MDs की अपॉइंटमेंट होती है वो BBB के द्वारा की जाती है। BBB हमारे पास बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसकी रिकमेंडेशन पर? PJ नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PJ नायक
कमेटी, और अभी इसके चेयरमैन कौन है ट्रिपल बी के, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ट्रिपल बी, सो दैट इज भानु प्रताप शर्मा, भानु प्रताप शर्मा. सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए स्टूडेंट्स. ओके, चलिए जी, गुड. नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई. अब देखो, ट्रिपल वी हमारे पास क्या करता है, एमडी और सीईओ की अपॉइंटमेंट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक में. अब मैंने एक और न्यूज को इसी के साथ क्लब कर दिया है, ये हमारे पास सेम मंथ की न्यूज है. यहां पर आरबीआई ने क्या कहा कि ठीक है, ट्रिपल बी अपॉइंटमेंट तो करता है पास एमडी और सीईओ की पब्लिक सेक्टर बैंक में, लेकिन होना क्या चाहिए, उनकी भी कोई एज लिमिट सेट होनी चाहिए. ठीक है, हमारे यहाँ उसकी भी कोई एज लिमिट सेट होनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आरबीआई ने डिस्कशन करने के बाद क्या कहा है, गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया प्रपोज द एज लिमिट ऑफ सीईओज एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की एज फिक्स कर दी गई है 70 ईयर्स एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स ऑफ 10 ईयर्स. या तो वो 10 साल के लिए बैंक का एमडी या सीईओ रह सकता है, मैक्सिमम 10 साल. मान लो किसी को 50 साल की उम्र में नियुक्त कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है वो 20 साल तक किसी बैंक का डायरेक्टर बना रहेगा, चेयरमैन बना रहेगा या सीईओ बना रहेगा. मैक्सिमम कितना टाइम बना रह सकता है, 10 साल, या फिर अपर जो बड़ी पोजीशंस हैं उनको लेकर दो न्यूज आपको कराई है, रिक्रूटमेंट बॉडी को लेकर. व्हाट इज आईबीए? हाँ जी, व्हाट इज आईबीए, दैट इज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन. ठीक है, आईबीए हमारे पास क्या होता है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन. सो हाउ डू यू कंफ्यूज अबाउट आईबीए, फंक्शन ऑफ आईबीए, व्हाट इज आईबीए? हाँ जी अमिता मंडले, आपको आईबीए में कहाँ से प्रॉब्लम आ गई? तो मुझे बता दो पहले, इसमें आपको ये समझ आया कि 10 साल, या तो 10 साल मैक्सिमम हमारे पास, ठीक है, और या फिर 70 साल अपर एज लिमिट. ठीक है, दोबारा समझा दो सर प्लीज. ओके, दोबारा समझा देते हैं. आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक वालों ने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है, बस दैट्स इट. आईबीए और कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है. ठीक है, चलो मैं न्यूज समझाता हूँ, ये वाली न्यूज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. देखो, हमारे पास क्या है कि आरबीआई नहीं चाहता कि कोई भी डायरेक्टर या चेयरमैन लंबे समय तक किसी बैंक में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे या लंबे समय तक वो टिका रहे, क्योंकि उसके बाद करप्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कोई पर्सन ज्यादा देर तक कोई बड़ी पोजिशन को होल्ड करता है. तो यहां पर आरबीआई ने क्या कहा है कि जितने भी बैंक हैं भारत में, तो वहां पे हम एज लिमिट सेट कर रहे हैं और क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, किसके लिए, सीईओस के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए. यहां पे क्या कहा गया कि किसी पर्सन को अगर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है तो, या चेयरमैन अपॉइंट किया गया, सीईओ अपॉइंट किया गया, तो मैक्सिमम 10 साल के लिए वो रह सकता है. मैक्सिमम कितना टाइम, 10 साल, और अपर एज लिमिट 70 ईयर्स. मान लीजिए किसी पर्सन को 50 साल की उम्र में किसी बैंक का डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है, तो वो सिर्फ 10 साल तक ही रह सकता है, यानी 60 ईयर्स की एज तक. और किसी को अगर लेट से 62 ईयर्स की एज में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, 62 ईयर्स की एज में किसी को अगर मान लीजिए डायरेक्टर बनाया गया है, तो क्या वो 72 ईयर्स तक रहेगा? नहीं, वो 70 ईयर्स तक रहेगा. तो मतलब कि 10 ईयर और 70 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, 10 ईयर और 70 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, तो दैट इज द क्राइटेरिया. सो डू रिमेंबर दैट दैट थिंग. ठीक है, इस चीज को आप याद रखना. ठीक है, चलिए जी, बताओ जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी स्टूडेंट्स, बता दीजिए एक बार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये ट्रिपल बी से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं कनेक्टेड हमारे पास न्यूज है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा. चलिए जी, ओके, नेक्स्ट हमारे पास यस बैंक जो है, यस बैंक को लेकर हमारे पास न्यूज आ गई. यस बैंक क्राइसिस फेस कर रहा था, ठीक है, और आरबीआई ने इसकी मैनेजमेंट सुधारने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, इस बैंक को क्रैश होने से बचाया. ठीक है, और इसी वजह से हमारे पास एसबीआई ने यहां पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की थी. एसबीआई ने, आपको पता होना चाहिए, यहां पर मेजोरिटी शेयर्स खरीद लिए थे, उनको अब डिल्यूट करके एसबीआई के अभी टोटल शेयर रह गए हैं 30%. इसके चेयरमैन है सुनील मेहता. ठीक है, पहले तो आप यस बैंक के चेयरमैन का नाम याद रखेंगे, सुनील मेहता. ठीक है, चलो एमडी का नाम बता दो मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, हु इज द करंट एमडी ऑफ यस बैंक, फिर हम न्यूज आगे बढ़ाते हैं. मुझे आप जल्दी से बता दो एमडी ऑफ यस बैंक, फिर मैं आगे न्यूज समझाऊंगा. करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक, देखते हैं. सबसे पहले तनवी दत्त का आंसर आ चुका है, सबसे पहले हमारे पास प्रशांत कुमार, वेरी गुड तनवी दत्त, तनवी दत्त का हमारे पास. ठीक है,
सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे, हमारे पास एमडी हैं प्रशांत कुमार, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एसबीआई ने इनिशियली तो 49% शेयर्स इसके खरीदे थे यस बैंक के, लेकिन अभी एसबीआई होल्ड कर रहा है 30% शेयर्स, याद रखेगा। अभी राइट नाउ एसबीआई 30% शेयर होल्ड कर रहा है किसमें, अभी राइट नाउ 30% शेयर होल्ड कर रहा है यस बैंक में। तो यस बैंक में हमारे पास आपको अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप लोग सभी एसबीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो याद रखेंगे कि यस बैंक में हमारे पास एसबीआई 30% अभी राइट नाउ शेयर होल्ड कर रहा है। और आप ये देखिए कि यस बैंक से लोन लिया हुआ था किसने, डिश टीवी नाम की कंपनी ने, आपने देखा होगा इसकी एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान बहुत टाइम पहले इसके एडवर्टीजमेंट किया करते थे, तो ये कंपनी लॉस में चली गई। तो इसी वजह से यस बैंक ने क्या किया, इसके 24.9% जो शेयर्स हैं स्टेक्स हैं वो अपने कंट्रोल में ले लिए, ठीक है, एक्वायर कर लिए, ठीक है। सो यस बैंक रिसेंटली एक्वायर 24.19 स्टेक इन डिश टीवी, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि नाउ यस बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ एसबीआई। ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गई स्टूडेंट, बिकॉज राइट नाउ यस बैंक इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ एसबीआई एंड यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एसबीआई एग्जाम। तो इसीलिए ये न्यूज हमारे लिए थोड़ी सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी क्लियर। दीपू ग्रेवाल राणा कपूर नहीं है, राणा कपूर वो पर्सन थे जिन्होंने यस बैंक को स्थापित किया था, एस्टेब्लिश कराया था, ठीक है। राणा कपूर वो पर्सन नहीं थे, अभी नहीं है सॉरी, राणा कपूर इज नॉट द एमडी, ठीक है। वो राणा कपूर वो पर्सन थे जिन्होंने यस बैंक को स्थापित किया था, एस्टेब्लिश कराया था, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास पीएम स्वनिधि लॉन्च्ड। अब देखो ये ध्यान से सुनना, देखो ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक सभी बिजनेसेस को एडवर्सली इफेक्ट यहां पर झेलना पड़ा, सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ मुकेश अंबानी एक्सेप्शन रहे जिन्होंने खूब पैसा कमाया, ठीक है। रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू डबल हो गई, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट रिलायंस को देखने को मिली। तो ज्यादातर बिजनेसेस की बात करें, छोटे बिजनेसेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक हर जॉब वाले पर्सन को भी नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। तो आप यहां पर समझिए कि इसी के चलते हमारे पास जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क पे रेड़ी वगैरह लगाते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए स्कीम आई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना, फुल फॉर्म पहले, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म आ जाती है, दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पहले तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। फिर इसके लिए हमारे पास आप ये याद रखेंगे, स्कीम के किया क्या जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा कितना, 10,000 रुपीज का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, ठीक है। और यहां पर इसको आपको एक साल में पे करना है, ठीक है। हाँ जी बात समझ आई या नहीं आई स्टूडेंट्स, कि एक साल में आपने लोन को पे करना है, ठीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, कि कितना लोन मिलेगा, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, इस टाइप की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखेंगे कि स्वनिधि स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और यहां पर कितना लोन मिलेगा 10,000 का, और कितने टाइम में रिटर्न करना है, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। चलिए जी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे लिए, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कमेटी फॉर एमएसएमई लोन इंप्लीमेंटेशन, देखिए एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए शुरू से ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई का रोल अहम है। तो एमएसएमई की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई। लेकिन हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, तो जरा डेफिनेशन पे फोकस कर लो एक बार, जरा ना डेफिनेशन पे नजर मार लो, एमएसएमई की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशन ही समझ आएगी कि एमएसएमई की, ये तो फुल फॉर्म हुई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है एमएसएमई, बोलते किसको एमएसएमई, मुझे वो भी तो पता होना चाहिए ना, हम इसी किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो जिस एंटरप्राइज में और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी है और हाँ जी टर्नओवर दोनों का क्राइटेरिया, याद रखना इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया भी है और टर्नओवर का क्राइटेरिया भी है, तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो आपकी इंडस्ट्री को माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज कब कहा जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा हो या 10 करोड़ तक हो, सॉरी माई अपोलॉजीज, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो, अप टू का मतलब यहीं तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, अंडर 50 करोड़, टर्नओवर अंडर 50 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ से कम, और टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़ से उससे कम। यानी इंडिया में बड़ी इंडस्ट्री किसको कंसिडर किया जाएगा, इंडिया में बिग इंडस्ट्रीज किसको कंसिडर किया जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का रखती होंगी, जिनका टर्नओवर
एनुअल टर्नओवर, यहाँ एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है, जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा होगा उनको हम बड़ी इंडस्ट्रीज कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो पहले तो आपको एमएसएमई की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि हम एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड करेंगे कोलेट्रल फ्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी ध्यान से सुन लो, प्रधानमंत्री ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है, एमएसएमई को कितना कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, लिमिट क्या सेट किया गवर्नमेंट ने, 3 लाख करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट है, कोलेट्रल फ्री का मतलब बिना कुछ गिरवी रखवाए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन, इस लोन के फैसिलिटेशन में कोई दिक्कत ना है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को कौन लीड करेंगे, राजनाथ सिंह। उस कमेटी को कौन लीड करेंगे, राजनाथ सिंह। अब क्वेश्चन सुन लो, जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, सब लोग एक बार क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहले तो आपको एमएसएमई क्लियर होना चाहिए कि एमएसएमई क्या है, एक बार एमएसएमई क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एमएसएमई के लिए हमारे पास कितना लो कोलेटरल फ्री लोन देने की गवर्नमेंट ने बात की, 3 लाख करोड़। दूसरा क्वेश्चन हो गया 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन। तीसरा क्वेश्चन आपने जो याद रखना है, कमेटी को लीड कौन करेंगे, जो उसके लिए कमेटी बनी है, राजनाथ सिंह। तीनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राजनाथ सिंह कमेटी को लीड करेंगे, 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन होगा और हमारे पास एमएसएमई की डेफिनेशन। और एक चीज और अगर लगे हाथ आप याद रख सकें, वैसे ये ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, 20 लाख करोड़ का। ठीक है, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो 20 लाख करोड़ है, हाँ जी, व्हाट परसेंट ऑफ योर जीडीपी, हाँ जी बस मुझे बता दो ये जीडीपी का कितना परसेंट बनता है। गवर्नमेंट ने कहा था ना कि हम अपनी जीडीपी का इतना परसेंट पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, मुझे बता दो ये 20 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का कितना परसेंट बनता है। हाँ जी, व्हाट परसेंट ऑफ अवर जीडीपी, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। वेरी गुड, सबसे पहले मेरे पास आंसर आ चुका है कनिका भट्ट का, फिर प्रियंका मनकोटिया का, फिर प्रिंस प्रिंस गर्ग का। वेरी गुड, दैट इज 10%। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, याद रखना कि हमारी जीडीपी का 10% जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो हम रिलीफ पैकेज के तौर पे यूज करेंगे, हमारी जीडीपी का लगभग 10%, अप्रोक्सीमेटली 10%, एंड दैट इज ₹20 लाख करोड़। ठीक है, दैट इज ₹20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ की बात यहां पर कहीं ना कहीं हुई थी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल कोऑपरेटिव बैंक, एक हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है आरबीआई ने। तो ये पीपल कोऑपरेटिव बैंक कहां पर काम करता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में हमारे पास, अब आप ज्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है कि कान उत्तर प्रदेश के कौन से कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिसेंटली लगाई गई थी। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो चीज याद रखनी है, पहली बात तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कई सारी गड़बड़ियां देखी होंगी, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में पीएमसी जिसको कहा जाता है, पीएमसी बैंक में गड़बड़ी देखने को मिली, और कई कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हाल ही के दिनों में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में इतनी गड़बड़ियां क्यों देखने को मिल रही हैं, व्हाई कोऑपरेटिव बैंक्स आर सो मच इन ट्रबल। ठीक है, क्यों इतने ट्रबल में है कोऑपरेटिव बैंक, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन क्या है, रीजन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन फर्स्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स गवर्न्ड बाय, पहले तो आप ये याद रखना, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्न, ये ड्यूल सिस्टम के थ्रू गवर्न किए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, गवर्न्ड बाय, एक तो कैसे गवर्न्ड होते हैं, दो तरीके से गवर्न्ड होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, याद रखिएगा, ये तो आप लोगों को आई गेस पता भी होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारे पास 1949, जिसके थ्रू भारत के सभी बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट के थ्रू भारत के बैंकों को रेगुलेट किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज जो नहीं पता कि कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक और एक्ट भी साइमल्टेनियसली चलता है, ठीक है, दैट इज बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। याद रखना स्टूडेंट्स मेरी बात, कि एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए दो अलग अलग सिस्टम्स का यूज किया जाता है, एक तो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, क्योंकि बैंक, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनको मैनेज करने के लिए एक और एक्ट हमारे पास चलता है, दैट इज बैंकिंग लॉ
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955, और इसी वजह से इनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। तो पहले तो ये आप दो एक्ट याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर क्या कोई कमेटी बनी थी पास्ट में हमारे पास। तो जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी, आर गांधी कमेटी। अभी आर गांधी कोई राहुल गांधी नहीं है, कभी इनको राहुल गांधी से कंपेयर कर दो, इज द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई आर गांधी। तो आर गांधी सजेस्टेड दैट, आर गांधी कमेटी बनी थी, इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो बड़े लेवल पर हैं उनको अलग लेवल की अपॉर्चुनिटी मिले। तो डू रिमेंबर दैट पॉइंट स्टूडेंट्स। हाँ जी, नोट डाउन करो, जरा नोट डाउन करो कि आर गांधी कमेटी सजेस्टेड दैट, नोट डाउन करो स्टूडेंट जरा एक पॉइंट, आर गांधी कमेटी सजेस्टेड दैट, आर गांधी कमेटी सजेस्टेड दैट दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आर गांधी कमेटी सजेस्टेड दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ आर गांधी, द फॉर्मर आरबीआई डेप्टी गवर्नर। ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, और ये भी आप याद रखेंगे कौन कौन से एक्ट्स जो है हमारे पास यूज होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, भारत का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ, उसका नाम। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, फर्स्ट फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दैट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेम द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दैट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। वेरी गुड, सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया है दीपू ग्रेवाल का सही आंसर। और कोई स्टूडेंट? वेरी गुड, चलिए जी, रूपाली सुखेजा का आंसर आ गया, शुभम शर्मा का, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारे पास, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक हाल ही के दिनों में स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ था, याद रखना। तो ये किसकी सजेशन थी? आर गांधी की सजेशन। अब देखो यहां पर हमने एक बैंक की बात की, पीपल कोऑपरेटिव बैंक है उत्तर प्रदेश का, जिसके ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि इसके काम करने के अंदर खामियां पाई गई, इसके काम करने के तरीके के अंदर हमें खामियां देखने को मिली। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। 215 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मलावी गवर्नमेंट। देखिए मलावी हमारे पास एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, मलावी हमारे पास एक अफ्रीकन कंट्री है, तो उसको एक्जिम बैंक की तरफ से हमारे पास, एक्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे पास होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है 215 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस असिस्टेंट टू बी यूज इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आपने याद रखना है किस अफ्रीकन कंट्री को हमने ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 215 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, दैट इज मलावी। एक थोड़ा सा पॉइंट और याद रखना, जब भी बात हो एक्जिम बैंक की, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्जिम बैंक, सो एक्जिम बैंक एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982, कब एस्टैब्लिश हुआ एक्जिम बैंक, एक्जिम बैंक एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982। ठीक है, और इसके करंट जो हेड है वो है डेविड रश्कीना, नाम याद रखिएगा। ठीक है, एमडी का नाम नोट डाउन कर लो जरा जल्दी से, जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। सीईओ, सॉरी सीईओ इज द सीईओ, सीईओ ऑफ एक्जिम बैंक। ठीक है, एक्जिम बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो यहां पर एक्जिम बैंक की तरफ से हमारे पास हेल्प की गई है मलावी की। तो एक्जिम बैंक टाइम टू टाइम हमारे पास क्या करता है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है और जो हमारा सिस्टम है दूसरी कंट्री के साथ, जो एक्सटर्नल रिलेशंस है, ठीक है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने में कंट्री की हेल्प करता है एक्जिम बैंक। ओके चलेगी, सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमईज। देखो हमारे पास क्या हुआ है कि एयरटेल पेमेंट बैंक आया ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, और इसने क्या कहा, सुरक्षा सैलरी अकाउंट, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास एमएसएमई के जो सैलरी अकाउंट हैं, अगर हमारे पास सैलरी अकाउंट चल रहा है तो उनको क्या किया जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी
ठीक है, और यहां पर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कैश विड्रॉल आप कर सकते हो, 50,000 डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब बेसिकली कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं। तो आपने याद रखना है सुरक्षा सैलरी अकाउंट, बस इतना याद रख लेना कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है वो कौन से बैंक का एक इनिशिएटिव था ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, दैट इज द इनिशिएटिव ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक, याद रखिएगा। अब कुछ पेमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत का जो पहला पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था, जो था 2017 में एस्टैब्लिश। नोट डाउन करो, फर्स्ट पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, फर्स्ट पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। और भारत में जो पेमेंट बैंक बने थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा पिछली स्लाइड में स्पेस है हमारे पास। हाँ जी, ध्यान से सुनना जब मैं बात करता हूं पेमेंट बैंक की, ध्यान से सुन लो स्टूडेंट। पेमेंट बैंक जो हैं इनके बारे में वैसे तो हम डिटेल में बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी सुन लो थोड़ा सा इनके बारे में कि पेमेंट बैंक भारत में एस्टैब्लिश हुए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट। ये पहले तो ये क्वेश्चन याद रखना, नचिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर 2014 में कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर भारत में पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश हुए। और जो भारत का पहला पेमेंट बैंक था, फर्स्ट पेमेंट बैंक जो भारत में एस्टैब्लिश हुआ, तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। फर्स्ट पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक था, जिसने 2017 में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे राजस्थान से, ठीक है। सो अभी एयरटेल बैंक पेमेंट बैंक ने हमारे पास शुरू किया है एक नया हमारे पास सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर कोविड ड्यूरिंग द कोविड-19। इसके पेमेंट बैंक के बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे ये लोन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, ठीक है, और भी कई सारे फीचर्स हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ बैंक नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट अभी ये देख लीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रांस कमिट 200 मिलियन यूरोस टू इंडिया। फ्रांस ने क्या कहा है कि वो 200 मिलियन यूरो जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा। देखो फ्रांस जो है वो काफी हद तक इंडिया के क्लोज आता दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें जियो पॉलिटिकल सीनैरियो भी है। जियो पॉलिटिकल सीनैरियो का मतलब देखिए, आप थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं यूरोप में जब मैं बात कर रहा हूं तो यूरोप में दो कंट्रीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वो है फ्रांस एंड टर्की, ठीक है, फ्रांस एंड टर्की। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट आपको पता होना चाहिए वो कौन है, एमैनुअल मैक्रोन। स्पेलिंग देख लेना अगर गलत हो जाए मुझसे तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि पेपर में तो आपको स्पेलिंग लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। टर्की के हमारे पास प्रेसिडेंट आपको पता ही होंगे, अर्दगोन, ठीक है। ठीक है, सो अब आप देखो कि टर्की और फ्रांस के बीच में आपस में हमारे पास सिस्टम जो है गड़बड़ चल रहा है, और टर्की जो है वो एंटी इंडिया है, याद रखना टर्की जो है वो एंटी इंडिया है, क्योंकि वो हमेशा किसके साथ देता है, वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, ठीक है। सो, अब आप समझिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि फ्रांस और इंडिया की नजदीकियां कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास टर्की है वो इंडिया के खिलाफ काफी हद तक जाता हुआ दिखाई देगा और वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। और अभी हमारे पास आपको पता होगा एक चीज और, अर्मेनिया और अजरबैजान में भी प्रॉब्लम चल रही है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है, इनमें भी प्रॉब्लम चल रही है। सो, अजरबैजान और जो प्रॉब्लम चल रही है, अर्मेनिया को कौन सपोर्ट कर रहा है, अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं जनरली द कंट्रीज जिसमें हमारे पास क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। और अजरबैजान को कौन सपोर्ट कर रहा है, टर्की, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अजरबैजान को, ठीक है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है, करंट का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कौन से एरिया को लेकर अजरबैजान और अर्मेनिया में कंफ्लिक्ट है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कौन से एरिया को लेकर कन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा जो है वो चल रहा है। रूपाली सुखीजा जी, थोड़ा सा प्रॉपर आंसर चाहिए था मुझे, नगारनो काराबाग,
वेरी गुड, पहला मेरे को पूरा आंसर दिया है कनिका भट्ट ने, वेरी गुड कनिका भट्ट, नगोर्नो काराबाग, वेरी गुड कनिका भट्ट, ठीक है। नहीं सूरज यादव जी, आपको और भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेरी क्लास सफिशिएंट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया कि नगोर्नो काराबाग को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वो करा रहा हूँ। क्लास सफिशिएंट नहीं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे खुद अपने लेवल पे भी, ठीक है। नगोर्नो काराबाग को लेकर हमारे पास प्रॉब्लम ऑन गोइंग है, तो इस सबके बीच हमारे पास आपने याद रखना है कि फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो दिए थे इंडिया को, लगभग 1700 करोड़, ठीक है, 1700 करोड़ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के रिगार्डिंग, कि इंडिया अपने COVID-19 रिस्पॉन्स को आगे बढ़ा सके, ठीक है, COVID-19 की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल कर सके। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट कि कौन सी यूरोपियन कंट्री ने हमारा सपोर्ट किया है, सो वो है फ्रांस। नेक्स्ट हमारे पास उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ NIPFB। देखो ऑल दो ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि उर्जित पटेल खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं, तो इसी वजह से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज की, उर्जित पटेल ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ चेयरमैन अपने आप को मतलब कि यहां पर प्रस्तुत किया है, स्थापित किया, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है, तो ये चीज सीधा सीधा याद रखिएगा। चलो जी, अभी हमारे RBI गवर्नर कौन है, अभी हमारे RBI गवर्नर कौन है, पता ही होगा आप लोगों को, शक्तिकांता दास। चलो नंबर बता दो मुझे, शक्तिकांता दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं RBI में, शक्तिकांता दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं RBI में, जल्दी से बता दो जरा। वेरी गुड, सबसे पहले मेरे पास आंसर आया है सूरज यादव का, वेरी गुड सूरज यादव, 25th गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, 25th गवर्नर को नंबर से याद रखिएगा, 25th गवर्नर ऑफ RBI। मैं एक चामला, सिमरन कांबोज, मीनाक्षी चौधरी, इन सब का आंसर आ चुका है 25th, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए जी, फिर हमारे पास गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें गड़बड़ ना हो जाए, देखो स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना है स्कीम को, ठीक है। हमारे पास गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, GKRA, पहले तो ये याद रखना GKRA, इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख के भी पूछ सकते हैं कि GKRA में बताओ जी कितने टाइम का रोजगार दिया जा रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं। एक्चुअली क्या था कि हमारे पास जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब जैसे जो यूपी बिहार से जनरली पूरे भारत में इधर उधर जाकर काम करते हैं, कोविड की वजह से उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा, और स्पेशली माइग्रेंट वर्कर कहाँ से आते हैं, तो देखो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, जो भारत की थोड़ी वीकर स्टेट है, फाइनेंशियली वीकर स्टेट्स हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने, याद रखना पहला क्वेश्चन तो ये, कितनी स्टेट में गरीब कल्याण रोजगार योजना स्टार्ट की गई, पूरे भारत में नहीं है, 6 स्टेट्स में है, ठीक है, और यहां पर आप याद रखिएगा इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कितनी स्टेट्स में एलोकेट की स्टार्ट की गई, 6 स्टेट, दूसरा क्वेश्चन कितना फंड, 50,000 करोड़, हाँ जी कितना फंड एलोकेट किया गया, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। और यहां पर आप याद रखिएगा ये वन टाइम स्कीम है, मतलब कि सिर्फ एक बार के लिए स्कीम आई है, ऐसा नहीं है चलती रहेगी, जैसे मनरेगा है, अगर मनरेगा से मैं कंपेयर करूं, मनरेगा 100 डेज की रोजगार गारंटी प्रोवाइड करती है, और ये स्कीम तो चली आ रही है कब से, हर साल देखने को मिलती है, लेकिन ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वन टाइम स्कीम है, और कितने दिन का रोजगार प्रोवाइड करने की गारंटी देती थी, 125 डेज, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन मेरे लिए हो गए, तीन क्वेश्चन कौन कौन से, कितनी स्टेट, 6 स्टेट, कितना फंड एलोकेट, 50,000 करोड़, कितना टाइम का जॉब, 125 दिन, तीनों क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए दिमाग में, बिल्कुल कोई डाउट का चांस नहीं होना चाहिए, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकते हैं, क्योंकि पैसों से रिलेटेड बात है, मनी से रिलेटेड बात है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन PPP बेसिस फॉर 2017, देखो वर्ल्ड बैंक का डाटा आया है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है 2017 के बेसिस पे, तो वर्ल्ड बैंक जहां पर अभी आ गया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, 2017 के बेसिस पर रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने क्या कहा है, PPP, व्हाट इज PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, PPP का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, और एक PPP होता है हमारे पास, दूसरा एक PPP और होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो PPP दो होते हैं, एक तो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी और एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो दोनों चीजें याद रखना, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दूसरा है हमारे पास परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है,
देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर पहले तो न्यूज़ समझ लो, फिर मैं थोड़ा सा आपको ट्रिपल पी के बारे में भी समझा देता हूँ कि ट्रिपल पी क्या होता है। देखो पहले तो आप ये याद रखना कि न्यूज़ में क्या कहा गया कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी, ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे था चाइना और सेकंड पे था यूएस। जी हाँ, फर्स्ट पे था चाइना, सेकंड पे था यूएस, ट्रिपल पी के मामले में अगर हम बात करें। अभी ट्रिपल पी होता क्या है, देखो हमारी जो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी, अब जिसको जीडीपी नहीं पता ना उसको न्यूज समझने में दिक्कत आएगी डेफिनेटली। जीडीपी क्या होता है? हाँ जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो फुल फॉर्म हुई। डेफिनेशन क्या बोलता है? द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बाउंड्री। हमारे देश के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द कंट्री बाउंड्री इन अ ईयर, एक साल के अंदर, तो हम तो उनका प्राइस किसमें लिखते हैं? रूपी में। हमें प्राइसेस किसमें मिलते हैं? रूपी में। लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? डॉलर्स में, यूएस डॉलर में। अब आप एक बात समझो, हम यूएस डॉलर और रुपी का करंट प्राइस लेकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है? देखो ध्यान सुनना, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम कंपैरिजन करते हैं कैसे, कि जैसे मान लीजिए यूएसए में एक डॉलर है और इंडिया का कितना बन गया? इंडिया का बन गया 75 रुपए, इंडिया के 75 रुपए बन गए एक डॉलर, यूएस का एक डॉलर इंडिया के 75 रुपए बन गए। तो यूएस में एक डॉलर में कितना सामान खरीदा जा सकता है और इंडिया में 75 रुपए में कितना सामान खरीदा जा सकता है? लाइक टेक द एग्जाम्पल, यूएस में अगर आप कॉफी पीने बैठ गए या चाय पीने बैठ गए तो आपको हो सकता है $1 खर्च करना पड़ जाए, लेकिन इंडिया में आप उसी चाय के कप के लिए कितने रुपए दोगे? 10 रुपए, एवरेज 10 रुपए है। हाँ, सीसीडी वगैरह में चले जाओ तो 300-400 भी खर्च कर सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल आम इंसान, मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे जैसे लोग अगर चाय पियेंगे तो वो 10 रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि एक डॉलर को कंपेयर कर रहे हैं 75 रुपए से। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम क्या करते हैं, आपकी करंसी की परचेजिंग पावर को देखते हुए आपकी जीडीपी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कि आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर को देखते हुए, आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि क्या सिस्टम बनता है। तो ये बताओ मुझे समझ आया या नहीं आया? तो परचेजिंग पावर पैरिटी को लेकर हमारे पास न्यूज आई थी, ठीक है, और इसमें जो है आपने याद रखना है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी किसकी बताई गई थी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट इज ऑफ चाइना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी दैट इज ऑफ चाइना। चलो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखो, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास यूएस ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है इंडिया में, लेकिन ये जो यूएस डिजिटल करेंसी है, यूएस गोल्ड करेंसी, देखिए इसमें आपने जो चीज याद रखनी है कि ये जो यूएस की जो गोल्ड करेंसी है, यूएस डिजिटल गोल्ड करेंसी, इसके बारे में एक चीज याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड में कई सारी डिजिटल करेंसीज हैं, देयर आर सो मेनी डिजिटल करेंसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे वर्ल्ड की सबसे पहली फेमस डिजिटल करेंसी थी, आपको पता ही होगा, बिटकॉइन, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे पहली डिजिटल करेंसी कौन सी थी जो फेमस हुई? बिटकॉइन। लेकिन ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल का मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, कि करेंसी की डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है। कल को मान लो सभी लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया तो इसकी वैल्यू भी खत्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिटकॉइन की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। लोगों का इंटरेस्ट है इसमें तो बिटकॉइन की वैल्यू है। जैसे आपकी जो इंडियन रुपी की करेंसी है उसके ऊपर लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी, आपकी इंडियन रुपी की वैल्यू किसने, जो वैल्यू है उसकी गारंटी किसने ली हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन यहां पर बिटकॉइन की क्या किसी ने गारंटी ली है? नो, बिटकॉइन इज कंप्लीटली वोलाटाइल। बिटकॉइन की जो वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है, वो कंप्लीटली वोलाटाइल है, कभी भी वैल्यू खत्म हो सकती है। मार्केट में मान लो इसकी डिमांड ही खत्म हो गई बिटकॉइन की किसी वजह से, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि वोलाटाइल ना हो, विजय विजय मैं टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन एक बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं जब बताऊंगा तो आपको मैं सारा बता दूंगा, लेकिन पहले मैं न्यूज कंप्लीट कर लूं, ठीक है, आपको क्वेश्चन मैं लेता हूं, रुको 1 मिनट। अब आप यहां पे देखिए कि जो यूएस जो है वो चाहता है कि आज की डेट में तो यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस बनी हुई है, फ्यूचर में भी यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बनी रहे, यूएस करेंसी की इंपॉर्टेंस बनी रहे, तो उन्होंने ऐसी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जो बैक्ड है। किससे बैक्ड है? बैक्ड का मतलब उसकी गारंटी ली है किसने? हमारे पास यूएस गवर्नमेंट ने, थ्रू गोल्ड, हाँ जी, थ्रू गोल्ड कॉइन। यहां पर इसका मतलब क्या है? एक डिजिटल करेंसी जो यूएस की एक डिजिटल करेंसी, यूएस डिजिटल गोल्ड, उसका मतलब है 1 आउंस। 1 आउंस का मतलब कितना होता है? 33.931 ग्राम्स। तो मतलब कि अगर आपके पास एक डिजिटल यूएस गोल्ड कॉइन है तो इसका मतलब आपके पास 33.931 ग्राम
आपके पास एटलीस्ट गोल्ड है, इसको आप कभी भी फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते हो यूके में जाकर। हाँ जी, बात समझ आई या नहीं आई? तो आपने याद रखना, इसको इन शॉर्ट क्या कहा गया है, इन शॉर्ट इसका नाम क्या दिया गया, यूएसजी। तो यूएसजी, यूएसजी यानी यूएस गोल्ड। यूएसजी कौन सी कंट्री की डिजिटल करेंसी है, यूएस हमारे पास कौन सी कंट्री की डिजिटल करेंसी है, सो दैट इज द करेंसी ऑफ यूएस बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है। देखो हमारे पास ये चीज याद रखना, इंडिया में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और डिजिटल करेंसी को इंडिया में लीगल डिक्लेयर किया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट टेक द डिसीजन एंड लीगलाइज द डिजिटल करेंसी इन इंडिया, सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, सो दे लीगलाइज द डिजिटल करेंसी इन इंडिया। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे अगर हम बात करें, आप क्वेश्चन था विजय का, विजय भाई ऐसा है कि हमारे पास अगर अगर आज के हम न्यूज की बात करें, तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मैं स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन कर दिया जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ है, आप अब लगता है अभी आए हो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लियर कट मेंशन है जून। ठीक है, तो हम जून से कवर कर रहे हैं। ठीक है, जून से लेकर अक्टूबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हमने भी मेंशन कर दिया था हम कहां से कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु लोन्स, सर व्हाट शुड बी द टारगेट ऑफ करंट अफेयर्स पार्ट एंड व्हाट इज द ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अंशु दुआ जी, हमने कल इस चीज को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, आप हमारी कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर आपके सारे ये वाले डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहां से कहां तक करना है स्पीड वाइज। शिवांशु स्लो पढ़ाने लग गए हो सर आप। शिवांशु ऐसा है कि पढ़ाने को तो मैं तेज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। स्टूडेंट स्पीड स्लो लग रही है क्या? हाँ जी बता दो, तो थोड़ा मैं तेज कर लूंगा अगर आपको लग रहा है कि स्पीड स्लो है। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है 4:30 बजे, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है, बस ये खत्म करके, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसके बाद 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है। चलो थोड़ा तेज कर लेते हैं अगर। चलो ठीक है जी, ओके, शिशु लोन्स के ऊपर 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। देखो पहली बात तो यहां पर बात हो रही है मुद्रा योजना की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात हो रही है। मुद्रा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये लोन दिए जाते हैं। ठीक है, मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखना आप, हमारे पास माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण। 3 तरह के लोन, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु में अप टू ₹50,000, ठीक है, 50,000 तक का लोन जो है वो हमारे पास शिशु कैटेगरी में दिया जाता है। फिर 5 लाख से 10 लाख का जो लोन है, सॉरी 50,000 से 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन है वो इस कैटेगरी में आता है, किशोर की कैटेगरी में। और 5 लाख से जो 10 लाख तक का लोन है वो हमारे पास तरुण की कैटेगरी में आता है। तो ये चीज याद रखना, मुद्रा में मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, दैट इज अप टू ₹10 लाख। ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ये कि मुद्रा योजना के तहत मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, 10 लाख। अभी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है, कि जो भी शिशु लोन दिए गए हैं उसमें जो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, उसका जो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी, मतलब कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन देगी, यानी गवर्नमेंट हेल्प करेगी आम इंसानों की, आम जो भी पर्सन है जिन्होंने शिशु कैटेगरी के अंडर लोन उठाया है। हाँ जी, पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स या नहीं? और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, दैट इज सिडबी। ठीक है, हमारे पास सिडबी जो है इंप्लीमेंटेड, इसको सारे सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चलो आप मुझे स्टूडेंट ये बता दो जल्दी से हमारे पास। हाँ जी, क्लास में मैं फास्ट पढ़ाता था, लेकिन अब पता नहीं ना कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो मेरे साथ कंपेटिबल हैं या नहीं, तो महाजन सर की गाइडलाइन है कि थोड़ा स्लो ही पढ़ाना है, तो इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो मुझे एक चीज बता लो बस, कि सिडबी के करंट हेड कौन है, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, सिडबी के करंट हेड बता दो जी कौन है।
हाँ जी आंसर नहीं आ रहे मुझे। ओके सो याद रखिएगा सिडबी जो है मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है, इसमें लीडिंग रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। बीएस देखो स्टूडेंट्स इसमें एक बार ना स्टूडेंट इसका हेड चेक कर लेना, मेरे ख्याल से तो यार इसके हेड शायद चेंज हुए थे, एक बार ना स्टूडेंट इसके सिडबी के हेड चेक कर लेना, क्योंकि देवेंद्र कुमार शायद मेरे ख्याल से हेड बन गए थे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, एक बार सिडबी के हेड चेक कर लेना। हाँ हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज इन लखनऊ, स्वान इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शायद चेक चेंज हुए थे, ठीक है। देवेंद्र कुमार थे शायद मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो एक बार चेक कर लेना, अगर आपको लगता है कुछ इसमें गूगल पे नहीं जाके इनकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग देवेंद्र कुमार थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स अब वो कमेंट कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग उसमें लग रहा है, ठीक है, सो एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स। ओके चलो जी, ₹500 करोड़ इमरजेंसी फंड टू आर्म्ड फोर्सेस। देखो चाइना के साथ हमारे पास ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया है आर्म फोर्सेस को, कि वो भी अगर उन्हें कोई भी इमरजेंसी में हथियार वगैरह खरीदने हैं तो वो खरीद सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में कोई वेपन खरीदना है तो वो एकदम से खरीद सकते हैं, तो ₹500 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द कंफ्लिक्ट विद चाइना, सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट। सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास कि कितना हमारे पास पैसा जो है वो हमारे पास दिया गया है। फिर अब देखो ये न्यूज आपकी डेट में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, देखो हमारे पास ये एसबीआई की रिपोर्ट थी, तो इसलिए मैंने आपको स्पेशली यहां पर मेंशन कराया है, क्योंकि ये रिपोर्ट थी एसबीआई की, इकोनॉमिक विंग ऑफ एसबीआई, इसीलिए मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया, कोविड-19 पैंडेमिक लाइकली टू ब्रिंग इंडियाज पर कैपिटा इनकम बाय 5.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, और गुजरात जो है सबसे बुरे लेवल पे हमारे पास, सॉरी दिल्ली जो है सबसे बुरे लेवल पे अफेक्टेड होगा 15.4% से, ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ फिर गुजरात, ठीक है। अब देखो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि रिपोर्ट दी किसने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आई है उसमें हमारे पास कितना यहां पर डिक्रीज आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 5.4%, सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट। चलो एसबीआई के नए चेयरमैन का नाम बता दो मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई, अभी ये तो बता दो, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई, दिनेश खरे, वेरी गुड, दिनेश कुमार खरे, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले हमारे पास आंसर आया है रीत सराहोगा, रीत सराहो, वेरी गुड, फिर दीपू ग्रेवाल का आंसर आया है, ठीक है, दिनेश कुमार खरे, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए जी ये मेरे जुलाई के जो करंट अफेयर्स से वो खत्म, यहाँ पर इसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। जून मंथ हमने खत्म कर दिया, अब हम बैंकिंग करने जा रहे हैं, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। तो कलम जहां से कर रहे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कलम पढ़ रहे थे मॉनेटरी ऑफ आरबीआई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ते हुए सीआरआर को कवर किया था, फिर हमने एसएलआर को कवर किया था, रेपो रेट हमने कवर कर लिया था, ठीक है,
तो आज हम रिवर्स रेपो से स्टार्ट करेंगे। तो रेपो रेट को जल्दी से एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पिछले कल वाले लेक्चर में भी कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं अब हम, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करेंगे। आप मुझे बता दो कि कल के लेक्चर में या अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ पूछना है आपने, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पीडीएफ शुभम आपको टेलीग्राम के ऐप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का तो यार आपको पता ही है, पीडीएफ का कल भी महाजन सर ने बताया ही था आप लोगों को कि टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। और पूछना हो किसी ने, ओके okay। पंकज भी स्टैटिक जीके का ना ऐसा होता है, देखो क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक जीके के, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के आएंगे। अब इसमें आता क्या है, जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, ठीक है, या कोई डैम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जनरली इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को लेकर। तो अगर आप कर सकते हो तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन देता हूँ कि एटलीस्ट वो वाले नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जरूर पढ़ के जाओ जो हाल ही के दिनों में न्यूज में थे, ठीक है। अगर आपने जो हाल ही के दिनों में न्यूज वाले नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पढ़े हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। हाँ कई बार कैपिटल करेंसी भी पूछ लेते हैं, ठीक है, बट वो भी जो ट्रेंड था ना वो 1-2 सालों से उन्होंने बंद कर दिया कैपिटल करेंसी पूछने वाला ट्रेंड। रेयर पॉसिबिलिटी है किसी कंट्री की कैपिटल या करेंसी पूछ लें। हाँ लेकिन जो जैसे न्यूज में जो कंट्रीज जैसे स्पेशली ये अर्मेनिया अजरबैजान, इनकी तो भाई जरूर पढ़ लेना कैपिटल और करेंसी, ठीक है। अर्मेनिया है अजरबैजान है, ठीक है, सो इनकी तो कैपिटल करेंसी जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है पंकज बीस, डाउट क्लियर। हाँ जी पंकज बीस जी क्लियर। चलो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेपो फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। रेपो के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने आपको रेट बताया था रेपो का रेट कितना चल रहा है। हाँ जी फिर से याद करो रेपो का रेट चल रहा है कितना, जल्दी देखते हैं कौन बताता है फिर से। हाँ जी कितना रेट चल रहा है रेपो का, वेरी गुड। प्रियंका मनकोटिया का आंसर आ गया, प्रिंस गर्ग का आंसर आ गया, तनवी दत्त 4%, वेरी गुड। रेपो का रेट याद रखना दिमाग में हमेशा क्लियर रखना 4%, ठीक है। रेपो का रेट हमारे पास चल रहा है 4%, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, हाँ जी बोर्ड की तरफ ध्यान दो। कि हमारे पास रेपो में क्या होता है कि जब भी हमारे पास आरबीआई से किसी बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पीएनबी का एग्जांपल दिया था कि पीएनबी को लेट से 100 करोड़ के लोन की रिक्वायरमेंट है, तो पीएनबी की तरफ से रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी कि हमें लोन चाहिए, और आरबीआई जो वो लोन दे देगा, लेकिन जितने का लोन चाहिए उतने करोड़ की सिक्योरिटीज अपने पास वो रखवाएगा, ठीक है। और इसको पीएनबी फिर से रीपरचेज करेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसे फिर से रीपरचेज जो है वो किया जाएगा। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आरबीआई के रेपो सिस्टम के तहत कौन कौन लोन लेने के लिए एलिजिबल है, याद रखना रेपो फैसिलिटी के थ्रू कौन कौन लोन ले सकता है। तो याद रखिएगा सभी बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सम एनबीएफआईज, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, रेपो फैसिलिटी के थ्रू कौन कौन लोन ले सकता है हमारे पास, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनबीएफआई। बैंक तो ले ही सकते हैं लेकिन बैंक के अलावा ये भी लोन ले सकते हैं। एनबीएफआई का मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। एनबीएफआई का मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ ही एनबीएफआई को परमिट किया गया, सिंपली कुछ ही एनबीएफआई को परमिट किया गया, जैसे एलआईसी, एलआईसी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनबीएफआई। एलआईसी हमारे पास बैंकिंग बैंक नहीं है एलआईसी, लेकिन एलआईसी कम्स अंडर द सेक्टर ऑफ एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो ऐसी एंटिटीज को हमारे पास, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को लोन मिलने के चांसेस बने रहते हैं थ्रू
रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमारे पास आता है जी रिवर्स रेपो रेट। तो जब मैं बात करता हूँ रिवर्स रेपो रेट की, तो याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रिवर्स रेपो, ठीक है, रेपो का उल्टा। अब देखो रेपो में क्या हो रहा था, आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन रिवर्स रेपो में क्या होगा, आरबीआई जो है लोन लेगा, लेकिन आरबीआई को लोन लेने की क्या जरूरत आन पड़ी, आरबीआई तो खुद करंसी प्रिंटर है और ना वो प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी है, तो आरबीआई को लोन लेने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्वेश्चन ये आ जाता है। एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, रिवर्स रेपो का यूज होता है एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स, कि जब बैंकों से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना होगा, खींचना होगा, बाहर निकालना होगा, तब रिवर्स रेपो का यूज किया जाता है। और रिवर्स रेपो का रेट कितना चल रहा है पहले तो यही बता दो। हाँ जी देखते हैं कौन बताता है पहले। वेरी गुड, सबसे पहले मेरे पास आंसर आ गया, वेरी गुड विपाशा चौधरी, फिर मनु ठाकुर का आंसर आया 3.35। ओके सो यहां पर समझिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होता है कि हमारे पास लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब किया जाता है आरबीआई की तरफ से, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई पे करेगा इस टाइम पे। पहले आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया था, इस समय पे आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। तो अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि रिवर्स रेपो क्या होता है, व्हेन बैंक पार्क्स देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई, मैं कुछ इस तरह से कहूंगा, मैं लोन की बजाय एक अच्छा वर्ड यूज करूंगा पार्क, व्हेन बैंक पार्क्स देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई एंड आरबीआई प्रोवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट दैट मनी, दैट इज टर्म टू बी रिवर्स रेपो। उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो। अब देखो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, यहां पर इस मैप के थ्रू आपको चीजें समझने की में काफी आसानी रहेगी। स्टार्टिंग में ऊपर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा रिवर्स रेपो का। सो डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी को डिक्रीज करने के लिए जनरली हम रिवर्स रेपो का यूज करते हैं। कैसे, हमारे पास आप देखिएगा कि आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट अपने पास ले लेगा, तो इन बैंकों के पास लोन देने के लिए, लेंडिंग के लिए कम पैसा बचेगा, और जब वो लेंडिंग के लिए कम पैसा बचेगा उनके पास, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में हमारे पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कम होगी तो मार्केट में उससे की वजह से क्या दिखाई देगा, देर इज डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, और यू कैन से डिफ्लेशन इन द मार्केट, मार्केट में डिफ्लेशन दिखाई देगी, या फिर इन्फ्लेशन में आप डिक्रीज कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे बता दो जल्दी से कि रिवर्स रेपो समझ आया या नहीं आया। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बता दो कि रिवर्स रेपो का कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया, किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर से समझा देता हूं। चलो जी नेक्स्ट हमारे पास एमएसएफ। अब एक बात याद रखना, एमएसएफ हमारे पास 2011-12 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का वो टूल जो सबसे लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज एमएसएफ। एमएसएफ एयर मीन्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, एमएसएफ एयर मीन्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्पेशल विंडो होती है जिससे बैंकों को ही लोन दिया जाता है, ठीक है। देखो हमारे पास रेपो के तहत तो कई सारे कंटेंडर है जिनको लोन मिलेगा, लेकिन रेप हमारे पास एमएसएफ वो फैसिलिटी है जिसके तहत जल्दी से काम होता है, और हमारे पास जो एक्यूट कैश शॉर्टेज आती है बैंक की, उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर सिर्फ बैंक ही एलिजिबल है, ठीक है, बैंक एलिजिबल है लोन लेने के लिए फ्रॉम द आरबीआई। और एक चीज और याद रखिएगा, रेपो में हमारे पास क्या था, रेपो में क्या डिफरेंस था, अब रेपो और एमएसएफ में डिफरेंस समझ लो। पहले तो रेट बता दो इसका कितना चल रहा है, एमएसएफ का रेट बता दो जरा कितना चल रहा है। नहीं 4.65 नहीं है श्रीया शर्मा, 4.65 नहीं है। फिर मनु ठाकुर का आंसर आ गया मेरे पास 4.25, वेरी गुड मनु ठाकुर। दीपू ग्रेवाल का आंसर आ गया है 4.25, गुड। दीपक कुमार थोड़ा सा जाग जाओ, 18% नहीं है, ठीक है, इट्स 4.2। शुभम शर्मा डोंट यू वरी, मैं एमएसएफ पूरा रिपीट कर रहा हूँ, एमएसएफ मैं शुरू से ही रिपीट कर रहा हूँ। तो पहले तो आपने रेट याद रखना है, रेट कितना चल रहा है 4.25, ठीक है। अब डिफरेंस समझ लो एमएसएफ और रेपो में डिफरेंस क्या है। बस पहले तो रेट आपको पता चल गया है 4.25 है, अब डिफरेंस समझो दोनों में क्या है। देखो रेपो और एमएसएफ, ध्यान से सुनना मेरी बात, रेपो और एमएसएफ दोनों लोन फैसिलिटी हैं। लोन किसको मिल रहा है, बैंक को, दे कौन रहा है, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन प्रोवाइड कर रहा है बोथ थ्रू रेपो और थ्रू एमएसएफ। अब दोनों में लोन प्रोवाइड हो रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दो दो तरह से लोन देने की क्या जरूरत आन पड़ी, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा रेपो और एमएसएफ में।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, देखो एक चीज तो दोनों में कॉमन है, रेपो और एमएसएफ में एक चीज कॉमन है, वो क्या? रेपो एंड एमएसएफ बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। ये मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूं कि रेपो कैसे मनी सप्लाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों रेपो और एमएसएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मनी सप्लाई के। जब भी रेपो और एमएसएफ का रेट बढ़ेगा, जब भी रेपो और एमएसएफ का रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। जब भी रेपो और एमएसएफ का रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज होगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड एमएसएफ? तो ध्यान से सुनिएगा, पहला डिफरेंस तो ये है कि रेपो के तहत कई सारे एलिजिबल कंटेंडर हैं लोन लेने के लिए। जैसे रेपो में स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन मिल जाता है, सेंटर को भी मिल जाता है, एनबीएफआई को भी। लेकिन एमएसएफ के थ्रू सिर्फ बैंकों को लोन मिलता है। एक स्पेशल विंडो होती है जिसमें काम तेजी से होता है, एक स्पेशल विंडो होती है जिसमें काम तेजी से होता है, काम को जल्दी जल्दी हमारे पास खत्म किया जाता है थ्रू द फैसिलिटी ऑफ एमएसएफ। दूसरी बात क्या है रेपो में, याद करो रेपो में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपको 5 करोड़ का लोन लेना पड़ता है रेपो में। लेकिन जब एमएसएफ की बात आती है तो मिनिमम अमाउंट कितना है? 1 करोड़। एमएसएफ में मिनिमम अमाउंट कितना है? 1 करोड़। आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अगर मुझे 3 करोड़ का लोन चाहिए, या लेट्स से टेक द एग्जांपल मुझे 33 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं 35 करोड़ का लोन क्यों लूंगा? तो यहां पर आप ये देखिए कि 1 करोड़ आफ्टर दैट इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 करोड़, दैट इज द सेकंड डिफरेंस। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? रेपो में कोई अपर लिमिट नहीं होती। रेपो में आप कितना भी लोन ले सकते, देयर इज नो अपर लिमिट। लेकिन इन केस ऑफ एमएसएफ देयर इज अपर लिमिट, दैट इज 1% ऑफ एनडीटीएल। आपके एनडीटीएल का मैक्सिमम 1% आप लोन ले सकते हो जब एमएसएफ की बात आती है। ठीक है, आप मैक्सिमम 1% लोन ले सकते हो ऑफ एमएसएफ। ठीक है, ओवरनाइट बोरोइंग्स यहां पर होती हैं। अब मुझे बताओ एमएसएफ अब क्लियर हुआ है या नहीं? हां जी स्टूडेंट बताओ, एमएसएफ और रेपो क्लियर हुआ है या नहीं? जल्दी से बता दो, एमएसएफ और रेपो क्लियर है सबको? ठीक है जी, ओके जी, सब ओके बोल रहे हैं। ठीक है जी, गुड। अब मेरे पास एक लास्ट टूल रह गया है, बैंक रेट। देखो एक बात याद रखना, रेपो और एमएसएफ ये दोनों शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को लोन लेना होता है तो बैंक रेट का यूज किया जाता है। और हमेशा याद रखना, बैंक रेट is always remain parallel with, किसके साथ parallel चलता है? bank rate हमेशा parallel चलता है MSF के साथ। तो जो MSF का rate चल रहा होगा वही bank rate का rate चल रहा होगा। तो दोनों MSF का rate कितना, bank rate का rate कितना हो गया फिर? हाँ जी, bank rate का rate कितना हो जाएगा? 4.25%। बताओ जी इसमें कोई doubt? ये bank rate जो है वो long term के लिए, बस इतना याद रखना। जहां पर RBI जो है commercial banks को हमारे पास loan provide करता है और यहां पर कोई कोलेट्रल या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि रेपो और एमएसएफ में आपको कोलेट्रल और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। बिल्कुल, अभी सारे रेट याद हो गए या नहीं हो गए? जल्दी से बता दो। हाँ जी, सारे रेट याद हो गए या नहीं? हाँ जी स्टूडेंट्स, रेट याद हुए या नहीं हुए? तो याद रखना, हमारे पास सारे रेट्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास रेपो का कितना है, सीआरआर का रेट कितना है, एसएलआर का रेट कितना है। ठीक है, सो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन पे आ जाते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, व्हाट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई? तो ये चीज याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है आरबीआई की, आपको क्लियर होनी चाहिए चीज। ओके चलिए जी, सो आप यहां पर समझिए, ओवरनाइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यहां पर आप समझिए कि जो सेल एंड परचेज है सिक्योरिटीज की, वो आरबीआई की तरफ से की जाती है, जिसके थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी को हमारे पास एक तरह से इंजेक्ट भी किया जाता है, अब्सॉर्ब भी किया जाता है। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो आपने याद रखनी है जो चीज, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एग्जीक्यूट कौन करता है। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक बार ओपन मार्केट ऑपरेशन एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम रिविजन का भी देख लेंगे। ओके, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद रखना, दैट इज टू बी परफॉर्म बाय नन अदर देन आरबीआई। ठीक है,
सो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज डन बाय आरबीआई. कैसे आरबीआई परफॉर्म करता है? तो देखो, जब रिसेशन को कंट्रोल करना हो, अभी हमारे पास ये वाली कंडीशन चल रही है, ध्यान रखना, अभी हमारे पास ये वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट में मनी की जो हमारे पास शॉर्टेज चल रही है, तो आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई लगातार क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है. आप देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया जा रहा है, और जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, तो आरबीआई अपनी पास से जो उसके पास खुद का पैसा पड़ा है वो मार्केट में सप्लाई होगा, तो रुपया जो है वो मार्केट में सप्लाई होगा, तो बैंकों के पास जो सप्लाई है, मनी सप्लाई हाई हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा. जब पब्लिक के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा, तो मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. अभी जो है आरबीआई जो है लगातार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, याद रखना, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है. दूसरा, इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना हो, जब मार्केट में मान लीजिए मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है और मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों को बेचना शुरू कर देगा, सेल शुरू कर देगा, ठीक है. उसके बदले में हमारे पास क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो वापस सेंट्रल बैंक की तरफ जा रही है. एरो देखो, जो रुपया है वो वापस किसकी तरफ जा रहा है, सेंट्रल बैंक की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो अल्टीमेटली मार्केट में बैंकों के पास मनी सप्लाई कम हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो जाएंगे, और जो पब्लिक के पास जो मनी अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, और इससे इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी. अब देखो, ये बताओ मुझे, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आया या नहीं आया? सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, हाँ जी, ध्यान से सुन लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, याद रखेंगे सब लोग, कि आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है, ठीक है. आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है, बस इतना याद रखना, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाता हूं मैं भाई. देखो क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो फिर भी सबको पता होगा यहां तक तो. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स कौन डिसाइड करता है. कि अभी मैंने बताया कि जैसे रेपो का रेट चल रहा है 4%, ठीक है, हमारे पास रिवर्स रेपो का चल रहा है 3.35%, 4.25% एमएसएफ का रेट चल रहा है, तो ये डिसाइड कौन करता है? सो दैट इज डिसाइडेड बाय एमपीसी. याद रखना, आरबीआई के अंदर एक स्पेशल बॉडी काम करती है, आरबीआई के अंडर, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि रेट्स क्या रहेंगे, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के रेट क्या रहेंगे, रेपो का रेट क्या रहेगा, रिवर्स रेपो का रेट क्या रहेगा. अब पहला क्वेश्चन याद रखना, ये कौन से एक्ट के तहत बनी है? तो ये बनी है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है. सो एमपीसी के बारे में थोड़ा और जानकारी हम देख लेते हैं, एमपीसी के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है, हाँ जी. एमपीसी कब एस्टेब्लिश हुई, पहले तो ये याद रखना, 27 जून 2016 को, 2016 में हमारे पास एमपीसी एस्टेब्लिश हुई, और किसके कहने पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई गवर्नर, ठीक है, कौन से फॉर्मर गवर्नर, उर्जित पटेल. सो उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर, याद रखिएगा, उर्जित पटेल उस समय डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, एक पॉइंट लिखो सब लोग, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी एमपीसी एस्टैब्लिश इन द ईयर 2016, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी एमपीसी एस्टैब्लिश इन द ईयर 2016, एमपीसी एस्टैब्लिश इन द ईयर 2016. अब इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है और 3 आरबीआई की साइड से होते हैं. लेकिन याद रखना कि इसका चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है, इसका चेयरपर्सन हमेशा होता है आरबीआई गवर्नर. तो कभी भी एमपीसी का चेयरपर्सन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आरबीआई गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है. और याद रखिएगा, हमारे पास आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होती है इन केस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक या टाई हो गया. डेडलॉक और टाई का मतलब क्या है, कि 3-3 से डिसीजन टाई हो गया, 6, अब 6 लोग हैं, कोई डिसीजन लेना, हो सकता है 3 एक साइड हो जाए, 3 एक साइड हो जाए, डेडलॉक हो जाए, टाई हो जाए. तो उस केस में, डेडलॉक और टाई के केस में, जो हमारे पास गवर्नर होता है आरबीआई का, उसके पास वीटो पावर होती है, ठीक है, डिसीजन को चेंज करने की पावर उसके पास रहेगी. और अभी इनका टारगेट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो इसको. अभी ये जो एमपीसी है वो 4% का इन्फ्लेशन रेट मेंटेन करने के लिए काम कर रही है, अपर टॉलरेंस परसेंट, लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%, इसको कुछ आप ऐसे लिख सकते हो 4. देखो इसका मतलब क्या है, कि एमपीसी या आरबीआई क्या चाहता है, कि भारत में 4% की महंगाई दर जो है वो बनी रहे. आरबीआई क्या चाहता है या एमपीसी क्या चाहता है,
कि भारत में 4% की महंगाई दर बनी रहे, और अगर उसमें कुछ कम या ज्यादा होना है तो मैक्सिमम कितना कम हो सकता है, मैक्सिमम उसमें 2 कम हो सकता है, ज्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम उसमें 2 ज्यादा हो सकता है, यानी 6% से 2% के बीच में तो रहनी ही रहनी चाहिए, लेकिन आइडली कितनी होनी चाहिए, 4%। आइडली कितनी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए, महंगाई कितनी होनी चाहिए, 4%। सो ये बात याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सुन लो भाई, ये करंट का क्वेश्चन आ गया। ये 3 मेंबर अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, और मैं स्ट्रॉन्ग आपको बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्गली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, अब मान के चलो 99% पॉसिबिलिटी है कि इस पेज से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 99% पॉसिबिलिटी। क्योंकि भाई देख लो, ध्यान से सुन लो, ऐसा है कि ये 3 मेंबर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। गवर्नमेंट ने अपने 3 मेंबर्स को भी रिसेंटली चेंज किया है, ठीक है, गवर्नमेंट की साइड से 3 मेंबर रिसेंटली चेंज हुए। पहले पम्मी दुआ, चेतन घटे और रविंदर ढोलकिया थे, वो तीनों चले जा चुके हैं, और कंफर्म है, मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन आने की 99% पॉसिबिलिटी है, तो इसको अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। तो गवर्नर जो है वो तो इसके चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन शक्तिकांता दास। फिर हमारे पास डेप्यूटी गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर को जगह मिलती है, अभी डेप्यूटी गवर्नर हमारे पास इसमें जो एमपीसी में काम कर रहे हैं वो माइकल पात्रा। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर है, लेकिन उनमें से एक ही एमपीसी का मेंबर होता है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक ही एमपीसी का मेंबर होता है, और वो है माइकल पात्रा। फिर याद रखना तीसरा पर्सन, ये भी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, मृदुल सागर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। ये 3 लोग आरबीआई की तरफ से हैं, गवर्नमेंट ने अपने 3 लोगों को भी रिसेंटली चेंज किया है। आशिमा गुप्ता जो पीएमईएसी, व्हाट इज पीएमईएसी, दैट इज प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी मेंबर है आशिमा गोयल। फिर शशांक भिड़े, ये सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। फिर जयंत वर्मा, प्रोफेसर एट IIM अहमदाबाद। ये 3 लोगों के नाम अपने दिमाग में ना अच्छे से बस बिठा लेना, और इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, याद रख लेना, इन 3 लोगों को 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, नोट डाउन करो जरा जल्दी से। ये कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है, 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, ठीक है। और मुझे यहां पर लगता ही है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरी पूरी उम्मीद मुझे लगती है, क्योंकि 4 साल बाद भी मेंबर चेंज हुए हैं 4 साल बाद मेंबर चेंज हुए हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एमपीसी में किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे एक बार। हाँ जी, एमपीसी में किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे एक बार। ये नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इसको लाइटली मत लेना, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 नाम, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। चलो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक मेरा खत्म है, अब मैं एक नई बॉडी के बारे में बात करूंगा डिटेल में, ठीक है। आजकल सारा कुछ डिजिटल वर्जन पर चलता जा रहा है, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, गो इंडिया डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बार बार बात होती है, और इनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपके बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो इसी सब में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम NPCI के बारे में डिटेल में बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ जी क्लियर। तो पहले तो मैं जरा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूंगा, देखते हैं कौन आंसर देता है, मुझे बस NPCI के चेयरपर्सन का नाम बता दो, चेयरमैन का नाम बता दो जल्दी से। दिलीप असबे MD एंड CEO है, मेरे पास पहले आंसर आ गया गौरव पठानिया का, याद रखना भाई, दिलीप आपसे MD एंड CEO है, ठीक है, दिलीप असबे इज द करंट MD एंड CEO। लेकिन एक बात और याद रखना, हमारे पास B महापात्रा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा ये पॉइंट, MD एंड CEO है दिलीप असबे, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
दिलीप असबे, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, उनका नाम भी याद रख लेना, बी महापात्रा। चलो जी, अब थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो एनपीसीआई कॉर्पोरेशन ऑफ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों बनी भाई? देखो पहले क्या था कि हमारे पास बैंक जो थे, हमारे पास पहले सब फिजिकल, मान लो पहले ब्रिक और मोर्टार टाइप ऑफ बैंकिंग हुआ करती थी। व्हाट इज ब्रिक और मोर्टार टाइप ऑफ बैंकिंग? मान लो मेरा पीएनबी के साथ अकाउंट है, तो मैं उसी पीएनबी के ब्रांच में जाकर पैसा जो है उसका लेन देन कर सकता हूँ, ठीक है। उसी ब्रांच में जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, पैसों का लेन देन कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एसबीआई की ब्रांच में चला गया और वहां से पैसा निकलवा लिया। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं विड्रॉल के और डिपॉजिट के। चेक्स का यूज कर सकते हैं हम, इंटर बैंक चेक्स का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बैंक का एटीएम लेकर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब डिजिटल चेंज आने की वजह से, डिजिटल रेवोल्यूशन के आने की वजह से हुआ है। लेकिन इस सब में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया एनपीसीआई। तो पहली बात तो आप ये याद रखना है कि एनपीसीआई किसने एस्टैब्लिश किया। सो देखो एनपीसीआई को एस्टैब्लिश किया आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन टू ऑपरेट द रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2008 में बनी, और एक्ट याद रखना कौन से एक्ट के तहत बनी। एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। एक्ट याद रखिएगा, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सो एनपीसीआई इनकॉर्पोरेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एक्ट याद रखिएगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसके लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ। और यहां पर याद रखिएगा कंपनीज के अंदर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये हमारे पास देखने को मिली, इनकॉर्पोरेटेड हुई, ठीक है। सो ये तो एनपीसीआई का बेसिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब एनपीसीआई काम कैसे करता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एनपीसीआई हमारे पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मतलब मान लीजिए, मान लीजिए आपने भीम ऐप का यूज किया, या लाइक आप जनरली मनी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, डिजिटली मनी ट्रांसफर करते हैं। तो भारत में एक बैंक से आप दूसरे बैंक में डिजिटली मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैंकों के बीच में जो कनेक्शन बनाने का काम है, डिजिटल पेमेंट को बरकरार रखने का काम है, वो एनपीसीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है जी रुपे कार्ड। सो व्हाट इज रुपे? तो रुपे के बारे में याद रख लेना कि इट्स अ इंडियन डिजिटल पेमेंट गेटवे। क्योंकि बहुत से बच्चों से मैं पूछता हूं ना कि रुपे कार्ड क्या है, तो बच्चे बोलते हैं वीजा मास्टर कार्ड है। भाई वीजा मास्टर कार्ड थोड़ी है, इट्स अ इंडियन डिजिटल पेमेंट गेटवे। रुपे कार्ड को क्या कहोगे? इट्स अ इंडियन डिजिटल पेमेंट गेटवे। पहले तो वो ये बात याद रखना कि रुपे कार्ड है क्या, अगर कोई पूछ ले। सो इट्स अ इंडियन डिजिटल पेमेंट गेटवे, ठीक है। फिर डोमेस्टिक कार्ड है जो कि हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ आता है, ठीक है, अलोंग विद ईवीएम ईएमवी चिप, ठीक है। सो अलोंग विद एन ईएमवी चिप। सो ये ईएमवी चिप क्या है? हाँ जी बताओ, बताएगा कोई मुझे ये ईएमवी चिप क्या होता है? कि ईएमवी चिप की जगह हमारे पास इसको कहीं जगह यूज कर लिया जाता है। यहां पर बोला जा रहा है कि ईएमवी चिप के अलोंग भी, मतलब कि कई जगह तो मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ हमारे पास यूज होता है रुपे कार्ड, और कई जगह ईएमवी चिप यूज होती है। तो ईएमवी चिप है क्या, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, ईएमवी चिप है क्या यार? कोई नहीं बताना चाहता, कोई बताना नहीं चाहता है। यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा, इसको बोलते हैं ईएमवी, ठीक है। आज के बाद याद रखना, यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा, इसको बोलते हैं ईएमवी, ठीक है। नहीं महक गलत है जी, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। सो ये याद रखना कि ईएमवी चिप का मतलब क्या होता है। पहले क्या था कि भारत में ना कोई अपना खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे नहीं था। ये डिजिटल पेमेंट गेटवे क्या होता है कि जैसे आप कोई भी कार्ड यूज करते हो, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, उस पर कोई ना कोई पेमेंट गेटवे जरूर होता है। पेमेंट गेटवे
बैंकों के बीच में और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक का काम करते हैं. व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल POS, एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं, POS. POS की फुल फॉर्म याद रखना, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. इसका मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप कार्ड स्वाइप करके यूज कर सको उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. कार्ड को यूज कर सको, जहां पर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सको, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, POS. तो POS के बीच में और बैंक के बीच में कनेक्शन बनाने का काम, एक डिजिटल कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है? पेमेंट गेटवे. भारत में पहले खुद का कोई पेमेंट गेटवे नहीं था. भारत का जो खुद का पेमेंट गेटवे है वो कौन सा है हमारे पास? रुपे कार्ड. भारत का जो खुद का पेमेंट गेटवे है वो है रुपे कार्ड. उससे पहले हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? उससे पहले हम डिपेंडेंट थे वीजा के ऊपर, मास्टर कार्ड के ऊपर, यूरोपे के ऊपर, ठीक है, मिस्टीरियो के ऊपर. हाँ जी, ये बार बताओ, समझ आई या नहीं स्टूडेंट्स? सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है. तो हमारा जो खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे है उसको हम क्या बोलते हैं? रुपे, ठीक है. अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओके. ईएमवी की फुल फॉर्म याद रख लेना, ईएमवी अगर कहीं दिखाई दे जाए दैट मींस यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा. नेक्स्ट हमारे पास नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. तो ये सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट हैं, ये सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट हैं. एनपीसीआई का लेटेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है. कौन सा लेटेस्ट प्रोडक्ट? फास्टैग. आपकी गाड़ियों में जो फास्टैग लगता है ना, उसके पीछे ध्यान से देखना हो, फास्टैग के पीछे लिखा होता है एनपीसीआई. तो जो फास्टैग जो है ना, उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज एनपीसीआई की हेल्प से ही किया जा रहा है, जो आज की डेट में डिजिटल टोल पे के लिए यूज होता है. तो फास्टैग भी इसी का एक प्रोडक्ट है, एक तरह से टेक्निकली देखा जाए तो, ठीक है. अब देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. इसको, इसके बारे में भी सुन लो भाई. यहां पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया था विद अ टैगलाइन वन नेशन वन कार्ड. ये वन नेशन वन कार्ड क्या है? जैसे मान लो दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो है, ठीक है, कोलकाता में मेट्रो है. अब दिल्ली का मेट्रो कार्ड अलग होता है. दिल्ली का मेट्रो कार्ड आपको बताऊं ना, मेट्रो में अगर कभी ट्रैवल किया तो मेट्रो कार्ड होता है, जिसमें आप प्रीपेड कैश डलवाते हो, फिर आप उस कार्ड को यूज करते हो, उसमें से पैसा कटता रहता है. लेकिन दिल्ली वाला मेट्रो कार्ड क्या आप कोलकाता में यूज कर सकते हैं? नो. लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कॉमन, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको नाम दिया गया है एनसीएमसी, ठीक है. इसको, इसको हमारे पास एनपीसीआई मैनेज करता है. इसका आप दो तरह से यूज कर सकते हो. हाँ जी, इसको आप डेबिट कार्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको कहीं पैसा निकालना है वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो. और यहां पर आप इसको पार्किंग में, हमारे पास अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करने में, इवन दिल्ली की जो डीटीसी की बसें हैं, डीटीसी की जो बसें हैं उसमें भी आजकल कार्ड के थ्रू आप टिकट ले सकते हो. तो वहां सब, उस सब जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. तो इसको याद रखना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ विच एंटिटी? सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई. एनपीसीआई का प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है. फिर हमारे पास भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम, ठीक है. अब भीम के बारे में बात करते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी. तो याद रखिएगा, हमारे पास भीम ऐप की जब मैं बात करता हूं तो आज की डेट में बहुत फेमस हो चुकी है, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो इसकी फुल फॉर्म भी याद आपको होनी चाहिए. तो यहां पर मोबाइल इंटरफेस आपको पता होगा एनपीसीआई की तरफ से चलाया गया, जिसमें यूपीआई का यूज होता है. इसमें आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हो. तो ये भी किसका प्रोडक्ट है? दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई. तो यहां पर आप पैसा रिसीव करोगे, सेंड करोगे थ्रू यूपीआई. अब यूपीआई क्या है? यूपीआई भी समझ लो, यूपीआई भी किसका प्रोडक्ट है? अगेन एनपीसीआई का. सो दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 11th of April 2016, ठीक है. इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है दिस पेमेंट. इंटरबैंक, अब याद रखना, इंटरबैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में डिजिटली पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस सिस्टम को हम लेकर आए थे, ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो दो बैंकों के दो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर सके. सो यूपीआई इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ विच एंटिटी? यूपीआई इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई. और एक बात और सुनो ध्यान से, ये जितना गूगल पे है, ये जैसे गूगल पे है या फोन पे है या जितनी भी एंटिटीज हैं, उनके लिए जो बेस है, उनके लिए जो बेस है वो यूपीआई है. वो यूपीआई का यूज करके ही सारा कुछ मैकेनिज्म जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं. इवन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, गूगल पे इंडिया में है लेकिन यूएस में नहीं है. जी हाँ, गूगल पे इंडिया में है, यूएस में नहीं है. क्यों? इंडिया में यूपीआई है. इवन गूगल ने ना, गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व से बात की, यूएसए के सेंट्रल बैंक से, कि आप भी इंडिया से कुछ सीखो. जी हाँ, इंडिया के बारे में पहली बार कोई अच्छी बात इतने बड़े लेवल पे हुई कि आप भी इंडियन सेंट्रल बैंक से कुछ सीखो और यूपीआई जैसा कोई सिस्टम लेकर आओ, ताकि हम भी वहां पर डिजिटल पेमेंट्स को बूस्टअप कर सकें. तो गूगल पे इंडिया में तो है, यूएसए में नहीं है. क्यों नहीं है यूएसए में? क्योंकि यूएसए में यूपीआई जैसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता.
फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये याद रखना, ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो इनिशिएटिव है आरबीआई, आरबीआई की तरफ से, ये भी हमारे पास एनपीसीआई के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है, याद रखना। इसमें पेमेंट्स होती है बिल की, किसी भी तरह का आपका बिल है, आपका लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सबको आप पे कर सकते हो थ्रू, हाँ जी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का यूज करके आप अपने सारे बिल्स को पे कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, रिसेंटली एनपीसीआई लॉन्च वज्र प्लेटफॉर्म, ये याद रखिएगा, वज्र प्लेटफॉर्म एनपीसीआई ने लॉन्च किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे पास डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा सिक्योर बनाया जाएगा। तो वज्र प्लेटफॉर्म इज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लॉन्च बाय एनपीसीआई, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहां पर बनाया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसको डीटीएल की फुल फॉर्म अपने दिमाग में बिठा लेना, डीएलटी की, सॉरी, ये पेपर में पूछा जा सकता है। डीएलटी जो है, याद रखना, डीएलटी जो टर्म है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, डीएलटी टर्म जुड़ी हुई है हमारे साथ, हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। डीएलटी जो टर्म है, एक्चुअली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सिस्टम यूज होता है, अब ब्लॉकचेन अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो सिस्टम यूज होता है दैट इज डीएलटी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है हमारे पास। तो ये याद रखना, डीएलटी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि वज्र प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, वज्र प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे पास, हाँ जी, याद रखिएगा, वज्र प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे पास किसका एक प्रोग्राम है, दैट इज द प्रोग्राम ऑफ एनपीसीआई। बता दो जी, कोई डाउट है तो, हाँ जी, पांच छह प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, सारे प्रोडक्ट्स एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स, याद रखना, ठीक है, रुपे कार्ड एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, भीम इसका एक प्रोडक्ट है, यूपीआई इसका एक प्रोडक्ट है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम इसका एक प्रोडक्ट है, और एक मैंने आपको रिसेंटली बताया, दैट इज योर ओन रिसेंटली फेमस फास्टैग, ठीक है, फास्टैग को भी हमारे पास कौन कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा है, एनपीसीआई। सो ये यहां तक हमने क्लियर कर लिया, कोई डाउट है तो पूछ लो, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। थैंक यू प्रियंका तिवारी जी, बस आपका पेपर क्लियर हो जाए, सबका यही चाहिए हमें। चलो जी, आगे चलते हैं। अब देखो, थोड़ा सा यहां पर इस मैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर इसे सबसे बड़ा, अगर पेपर में कोई ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन डाल दिया और ये पूछ लिया डिजिटल रिटेल ट्रांजेक्शन जो भारत में हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, तो याद रखना दिमाग में क्वेश्चन यूपीआई, बस ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, हाँ जी। 2019 का बता रहा हूँ मैं, 2019 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 20 के तो भी हमारे पास आंकड़े इतने परफेक्टली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो याद रखना कि हमारे पास, बट 2020 में भी यही रहेगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ा शेयर किसका है, सो दैट इज द बिगेस्ट शेयर इज ऑफ UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी ज्यादा अब आज की डेट में, ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। फिर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है UPI 2.0, अब ये सुन लो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि UPI तक तो सब करके बैठे ही होंगे, यहां तक UPI तक सब होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा UPI 2.0, ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल है हमारे पास, ये समझ लो कि NPCI ने लॉन्च किया था UPI 2.0 विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाँ जी, ये थोड़ा सा दिखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, UPI 2.0 में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। अब देखो, UPI के थ्रू होता क्या, समझो जरा ध्यान से, UPI के थ्रू मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं और मेरे फ्रेंड मुझे बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, मैं ऑनलाइन अपना फोन यूज करता हूं, उसको पैसा ट्रांसफर कर देता हूं। अगर मान लो मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, बिजनेस का काम है मेरा, मेरा करंट अकाउंट चल रहा है, अब करंट अकाउंट मेरा चल रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन करंट अकाउंट के केस में तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, करंट अकाउंट के केस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। मेरा एक क्लाइंट है, वो बोलता है कि मुझे पेमेंट करो, मेरा एक क्लाइंट है जो बोलता है मुझे पेमेंट करो, ठीक है, अब मेरे अकाउंट में पैसा है नहीं तो मैं ओवरड्राफ्ट का यूज करना चाहता हूं, लेकिन ओवरड्राफ्ट का यूज तो आप समझते हो कि UPI में पहले तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन UPI 2.0 में ओवरड्राफ्ट का यूज भी पॉसिबल है, मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा ना हो, जो लिमिट आपके बैंक ने सेट की हुई है ओवरड्राफ्ट की, उस लिमिट तक आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये बात बता दो, समझ आ गई या नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो यूपीआई 2.0 का एक और, तो ओवर ड्राफ्ट को लिंक कर दिया जाता है अकाउंट्स के बाद, यहां पर पेमेंट जो है वन टाइम मैंडेट है, ठीक है, सेंडिंग इनवॉइसेस यहां पर हो सकती हैं, और यहां पर आप देखिएगा कि क्रेडिट इंडस्ट्री को काफी हेल्प मिलेगी इस सब से, ठीक है। और आपने एक चीज और याद रखनी है कि आरबीआई ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए कमेटी बनाई थी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिजिटल पेमेंट्स को इंडिया में बढ़ाने के लिए कौन सी कमेटी कुछ टाइम पहले कंस्टिट्यूट हुई थी, नंदन निलकानी कमेटी। प्लीज नोट इट डाउन, जिनको नहीं पता, अर्लियर आरबीआई कंस्टिट्यूटेड नंदन निलकानी कमेटी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। लिखो जरा, अर्लियर आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड नंदन निलकानी कमेटी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। नंदन निलकानी कमेटी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। तो कमेटी का नाम याद रखना, कमेटीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पुरानी कमेटीज जो इंपॉर्टेंट है उनको लेकर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन तो मैं पूछना भूल ही गया यार आप लोगों से, मुझे बताओ नबार्ड जो है वो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुआ था नबार्ड, बताओ जरा जल्दी से। नबार्ड 1982 में किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन मुझे पूछना था लेकिन मैं भूल गया, बताओ जरा जरा जल्दी से। हाँ जी, नबार्ड एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी रिपोर्ट, वेरी गुड। सबसे पहले मेरे पास आंसर आया शुभम शर्मा का, बी शिवरमन। कनिका बट ऑप्शन नहीं मिलेंगे ना क्लास में, ऑप्शन पेपर में मिलेंगे, यहां पर बिना ऑप्शन के देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। वेरी गुड शुभम शर्मा, महक चावला ने भी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, बी शिवरमन कमेटी रिपोर्ट, नोट डाउन कर लीजिए जिनको नहीं पता। नबार्ड एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स लगे रहो, पेपर जरूर क्लियर होगा, ठीक है, लगे रहो, तैयारी करते रहो, पेपर कंफर्म क्लियर होगा। अच्छा देखो एक चीज और, अभी हमने बात की एनपीसीआई की, एनपीसीआई सारा का सारा काम करता है मनी ट्रांसफर को लेकर। मनी ट्रांसफर में कोड यूज होता है इंडिया में, आईएफएससी कोड, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। आईएफएससी में कितने डिजिट होते हैं जरा जल्दी से बताना, कितने डिजिट का कोड होता है आईएफएससी, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। तन्वी दत्त का आंसर आ गया मेरे पास 11 डिजिट, वेरी गुड। फिर श्रिया शर्मा ने भी आंसर दिया बिल्कुल सही, श्रिया शर्मा, तन्वी दत्त, रूपाली सुखीजा, शैंकी, शुभम, सब ठीक है। परमजीत सहोता जी, गड़बड़ नहीं करनी, 12 नहीं है 11 है। तो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। पहले 4 डिजिट बैंक का नाम डिनोट करते हैं, हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, फिर 5वां डिजिट 0 होता है, ठीक है, फिर लास्ट के जो हमारे पास डिजिट होते हैं वो हमारे पास बैंक की ब्रांच को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो जैसे इंडिया में आप आईएफएससी कोड का यूज करते हो मनी ट्रांसफर के लिए विद इन इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे आप यूज करते हो स्विफ्ट का, इंटरनेशनल लेवल पे आप किस चीज का यूज करते हो स्विफ्ट का, ठीक है। स्विफ्ट के बारे में याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, स्विफ्ट का इंटरनेशनल लेवल पे मनी ट्रांसफर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन, और इंडिया 74th मेंबर था जो जिसने इसको ज्वाइन किया। एक बात और मैं आपको बता दूं, स्विफ्ट को कहां से कंट्रोल किया जाता है, बहुत से बच्चों को यह पता नहीं होता कि स्विफ्ट को ब्रसेल्स बेल्जियम से कंट्रोल किया जाता है। स्विफ्ट मैकेनिज्म को कहां से कंट्रोल किया जाता है, ब्रसेल्स बेल्जियम से। नोट डाउन कर लेना अगर आप लोगों को नहीं पता, तो स्विफ्ट रेगुलेटेड फ्रॉम ब्रसेल्स बेल्जियम। ठीक है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए इसको यूज किया जाता है, फॉरेक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें कितने कोड में, 8 या 11 करेक्टर हो सकते हैं, यह बात याद रखना, 8 या 11 करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 8 भी हो सकते हैं इसमें, 11 भी हो सकते हैं। तो लोकल लेवल पर विद इन इंडिया आप यूज करते हैं आईएफएससी कोड, इंटरनेशनल लेवल पे आप यूज करते हैं स्विफ्ट कोड, ठीक है। और विद इन इंडिया जो डिजिटल मनी ट्रांसफर होता है वो सब कंट्रोल हमारे पास कौन कर रहा है, एनपीसीआई नाम की बॉडी, ठीक है।
तो आज के लिए स्टूडेंट मैं इतना ही कराऊंगा, ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे सरफेस एक्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कल कवर कराने हैं। पहले एक घंटा हम वही अपना करंट कवर करेंगे, एक घंटा हम करंट कवर करते हुए बीच में क्वेश्चंस भी मैं पूछता रहूंगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, ठीक है। तो कल हम बाकी कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी गौरव जी, थैंक यू कनिका, बस यही है स्टूडेंट्स, आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ जी ट्रेजरी बिल्स मैं करा दूंगा शुभम जी, डोंट यू वरी। डीमैट अकाउंट, देखो पंकज, डीमैट अकाउंट कोई बड़ी चीज नहीं है, डीमैट अकाउंट का यूज होता है हमारे पास शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए, बस ये याद रखना, डीमैट अकाउंट कोई बड़ी चीज नहीं है, डीमैट अकाउंट इज यूज फॉर परचेजिंग एंड सेल्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है, हम बाकी कंटिन्यू रखेंगे और तब तक आप पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। बाकी की न्यूज आपने खुद कवर करनी है, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादातर न्यूज में क्लास में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक, लेकिन आप साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है।